कल्चर है वो यहाँ पर भी दिखाया गया है, स्कॉटिश कल्चर और उनकी जो ट्रेडिशनल। हेलो, वाह, कल्चर है, कैनेडियन कल्चर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ स्पेस डॉल, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, तो उनका जो सक्सेसफुल मिशन था ओवर द मून। इंग्लैंड में हमारी एक रोटरी की समरसेट नाम की क्लब चल रही और सबने साथ में मिलके ये डॉल म्यूजियम के लिए बनवाई। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई सोच रहे होंगे कि आज मैं कहां पर आया हूं, किस लोकेशन पर आया हूं, तो देख सकते हैं आप, आज हम आए हैं रोटरी डॉल्स म्यूजियम। तो रोटरी डॉल्स म्यूजियम भी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन है राजकोट सिटी की, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं रोटरी डॉल्स म्यूजियम में और यहाँ पे पूरा म्यूजियम है एक्सप्लोर करेंगे। आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में हम शेयर करेंगे, ब्लॉग को एंड तक देखना। टिकट प्राइस हो वो सब अभी मैं आपको बताता हूँ। भाई अब आपको यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ रोटरी डॉल्स म्यूजियम का। तो ये याग्निक रोड पर है, राजकोट सिटी में याग्निक रोड पर हीरा पन्ना कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल ही सामने ये पड़ता है। तो अगर आपको देखना है तो एक बार आप देख भी लीजिए। देखिए उस साइड वहाँ पर रेड कलर में आपको दिख रहा होगा हीरा पन्ना लिखा हुआ, RGS के बगल में, उसी के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड में ये रोटरी डॉल्स म्यूजियम यहाँ पर है। तो यही है यहाँ का दोस्तों एड्रेस। चलिए अब चलते हैं अंदर म्यूजियम के अंदर। ये है देखिए एंट्रेंस, यहाँ से अंदर ऐसे जाना होता है। तो अभी आपको अंदर जाके जो टिकट की प्राइस है और वो सब भी है वो भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। सो दिस इज़ इंटरनेशनल रोटरी डॉल्स म्यूजियम, तो यही आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए इस साइड से। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगा रोटरी डॉल्स म्यूजियम का। देखिए यहाँ पर एक मैप बना हुआ है के जो म्यूजियम है उसकी, देखिए लोकेशन यहाँ पर देखिए बताया गया है रोटरी डॉल्स म्यूजियम। तो अभी हम ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए रोटरी मिड टाउन चिल्ड्रेन एक्टिविटी सेंटर, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो रोटरी डॉल्स म्यूजियम का ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट खरीदना होता है। देखिए हमने यहाँ पर टिकट यहाँ पे खरीद ली है, ये है देखिए टिकट, और पर पर्सन 30 रुपीज टिकट का प्राइस होता है। तो एक इंसान का 30 रुपीज होता है प्राइस। और अगर आप अंदर डॉल म्यूजियम के अंदर अगर आप कोई शूटिंग करना चाहते हो विद योर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन से, तो उसके 30 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। एंड फ्लोर पर है रोटरी डॉल्स म्यूजियम, तो चलते हैं लिफ्ट से ऊपर म्यूजियम की तरफ। तो चलिए भाई आइए और अब चलते हैं म्यूजियम, रोटरी डॉल्स म्यूजियम। म्यूजियम है सेकेंड फ्लोर पर, तो चलिए सेकेंड फ्लोर पर चलते हैं। तो चलिए आ चुका है सेकंड फ्लोर। तो ये देखिए ये सेकंड फ्लोर, हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर आने के बाद देखिए फर्स्ट लुक आपको सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए म्यूजियम का। तो अभी हम अंदर जाएंगे। सो दोस्तों देखिए मैम हमारे साथ है और वो यहाँ पर टूर गाइड है, तो वो हमें जो पूरा रोटरी डॉल्स म्यूजियम है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करने वाले हैं और हमें एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो रोटरी डॉल्स म्यूजियम है यहाँ की जो डॉल्स हैं उनकी क्या यूनिकनेस है, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करेंगी। तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि रोटरी डॉल्स म्यूजियम का एक मतलब एक ओवरव्यू के रोटरी डॉल्स म्यूजियम क्या है। आप पहले तो आपका रोटरी डॉल्स म्यूजियम में स्वागत है। थैंक यू। मैं यहाँ की टूर गाइड हूँ, मेरा नाम है कीर्ति रावल। मैं आपको सब डॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। हमारा जो डॉल्स म्यूजियम है पूरे वर्ल्ड में दो जगह, एशिया खंड में पूरा दो है, एक दिल्ली में है एक यहाँ है। और हमारा म्यूजियम ने 3 तो अवार्ड जीते हैं, लिम्का में भी इसका नाम है। हमारा म्यूजियम बनवाने को रीजन है हमारा सर ने उसकी डॉटर के लिए बनवाया है। हमारा सर लोग 4 धाम यात्रा पर गए थे फैमिली के साथ, तो उसकी डॉटर बहुत छोटी थी,
तो पूरे रास्ते बोल रही थी कि पापा मुझे गोदी में उठा लो, मम्मी मुझे गोदी में उठा लो। तो सर बोले कि बेटा तू मेरी अगर उंगली पकड़ के चलेगी तो आप हम दिल्ली पहुंचेंगे, आपको डॉल्स म्यूजियम दिखाऊंगा। तो दिल्ली गए तो मंडे था, जनरली सभी म्यूजियम मंडे को बंद रहता है, तो म्यूजियम बंद था। तो वो बोले कि पापा आप बहुत झूठ बोल रहे थे, आप बहुत झूठे हो, ऐसा डॉल का म्यूजियम कहीं नहीं होता। तो सर बोले कि नहीं बेटा मैं तेरे लिए राजकोट में म्यूजियम बनवाऊंगा। तो तभी हमारे सर रोटरी के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अलग अलग सभी रोटरी में मेल किया, रोटरी क्लब में मेल किया कि मेरी बेटी के लिए मुझे म्यूजियम बनवाना है, अगर आप गिफ्ट भेजो तो। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से गिफ्ट आई है। और इसका रीजन है कि कौन से देश में लोग कैसे रहते हैं, उसका पहनावा कैसा है, वो क्या खाते हैं, ये सब डोल के माध्यम से शोकेस में दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ से यहाँ पर डॉल्स आई हुई हैं एज अ गिफ्ट, एंड यहाँ पर सारी डॉल्स रखी गई हैं डिफरेंट कंट्रीज की। तो बेसिकली वो ये दर्शाती हैं कि जो ट्रेडिशनल कल्चर था उन कंट्रीज़ का वो कैसा था, वो क्या पहनते थे और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये शोकेस करती हैं डॉल। तो मैम ये जो डॉल्स हैं ये किस कंट्री की हैं और ये मतलब क्या शोकेस कर रहे हैं? ये सारे डॉल स्कॉटलैंड से आई है। तो वर्ल्ड में स्कॉटलैंड एक ही ऐसा देश है जहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों सेम कपड़े पहनते हैं। हाँ। उसके हाथ में है वो बैग पाइपर नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और वो कभी वो अपने ड्रेस में पॉकेट नहीं बनाते, ऐसे व्हाइट पर्स रखते हैं। ओके, आगे की तरफ एक व्हाइट। और वो कौन सी कास्ट के है वो उसकी चेक्स के माध्यम से पता चलता है। किसी के ड्रेस में छोटी चेक्स है, बड़ी चेक्स है, ऐसे सभी डोल का चेक्स अलग अलग है। देखो तो वो उनकी कास्ट को दर्शाता है। हाँ, कौन सी कास्ट के है वो दर्शाता है। तो भाई ये डॉल देख सकते हैं, ये स्कॉटलैंड स्कॉटिश डॉल। हाँ। और यहाँ पर देखिए ये उनकी एक ट्रेडिशनल व्हीकल है जो कि वहाँ पर उस समय में वो वहाँ पे यूज करा करते थे और काफी फेमस है। अगर आप जानते हो तो स्कॉटलैंड एक बहुत ही आप कह सकते हैं स्कॉटिश वॉरियर्स जो थे वो बहुत ही फेमस हुआ करते थे, और शायद ये उनकी ही एक मैम ट्रेडिशनल ड्रेस हो स्कॉटिश ड्रेस बोलते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये था स्कॉटलैंड कंट्री की जो डॉल्स है और उनकी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो पॉज करके आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। उसके हाथ में है वो बैग पाइपर नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये है दोस्तों डॉल्स, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये यूरोप का मैप है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की शायद यहाँ पर मैम जितनी भी डॉल्स है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की यहाँ पर है। हाँ, पूरा यूरोप। आपको सर म्यूजियम देख के ऐसा लगेगा कि हमने पूरी वर्ल्ड टूर कर ली। हाँ। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं लंदन ब्रिज का रेप्लिका यहाँ पर रखा है, और उनके जो मैम मीन्स ये भी वही दर्शा रहा है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ, ये लंदन ब्रिज है, सीप आते ही अपने आप खुल जाता है, सीप जाते ही अपने आप बंद हो जाता है। और ये सभी जगह ऐसा हमने बटन भी लगाया है सभी शोकेस में, कहाँ से आई है वो पता चलता है, और साथ में फ्लैग भी बताया है जर्मनी से, जर्मनी का फ्लैग है वो, फ्रांस का फ्लैग है वो, इंग्लैंड का फ्लैग है, ऐसे सभी शोकेस में फ्लैग भी बताया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लैंड का फ्लैग है, ग्रेटर लंदन इंग्लैंड रोटरी क्लब ऑफ हावर्थ एयरपोर्ट। तो वो डॉल कहाँ से बिलोंग करती है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, किस कंट्री से। देखिए यहाँ पर जर्मन फ्लैग आप देख सकते हैं, तो इस तरह से है दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आप आराम से ये सारी डिटेल्स को भी रीड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए आप ये सारे डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग यहाँ पर लगे हैं, और यहाँ पर एक कोट लिखा गया है जो कि महात्मा गांधी द्वारा कोट है, फ्लैग इज अ नेसेसिटी ऑफ ऑल नेशंस, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। जिसका मतलब ये है कि एक फ्लैग के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी होती है, अपनी कुर्बानी दी होती है, एक तरह से फ्लैग की क्या इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर दर्शाया गया है।
भाई वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अभी आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डॉल्स देखने को मिलेंगी, उनकी जानकारियां आपको भी देखने को मिलेंगी इस ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। वाओ यार, ये भी जो डॉल्स हैं यार, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ लिखा भी है नीचे के, ये इंग्लैंड के कल्चर को यहाँ पर दर्शाती हुई डॉल्स हैं। नीचे जो है वहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी एक इंग्लिश डॉल है, इंग्लैंड की डॉल है ये देखिए, और बहुत ही प्यारी लग रही है डॉल्स। देखिए, मैं कोई भी वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो बहुत ही डिटेल्ड में उस व्लॉग को मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ, आप लोगों के साथ ये जो डॉल्स हैं उनकी डिटेल्स को शेयर कर रहा हूँ, हर एक डॉल दिखा रहा हूँ। होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा इस व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी, इंग्लैंड, टर्की, इन सब की भी यहाँ पर डॉल्स हैं, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, आप यहाँ पर आएंगे आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो राजकोट अगर आते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर देखिए टर्की की ये डॉल्स हैं, आप देख सकते हैं, जो टर्किश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यहाँ पर लुथानिया कंट्री की भी डॉल्स हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की भी यहाँ पर डॉल्स रखी हुई हैं। ये वेस्ट में से बेस्ट, यूके, जर्मनी, स्वीडन में ओन मकई बहुत होती है, तो वो लोगों ने ओन के छिलके में से, बाम्बू स्टिक में से, जूट में से सब बना के भेजी है, वेस्ट में से बेस्ट है। तो मतलब एक तरह से यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि जो जर्मन कल्चर है वहाँ पर जो जूट होता है उसका उपयोग करके वो लोग इस तरह से एक हट टाइप का कह सकते हैं, मतलब बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जर्मनी की एक डॉल जो वहाँ पर आप सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे, देखिए हर एक जो यहाँ पर सेक्शन है उसके साइड में इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, तो आप ये भी आप रीड आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं। इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छे से। ये अच्छी मुझे डॉल्स लग रही हैं, बहुत ही प्यारी, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया की भी यहाँ पर डॉल है, देखिए रोटरी क्लब ऑफ हेलिन सेल्सबर्ग की डॉल है ये सामने, आप जो आप देख रहे हैं। वाओ, ये बहुत अच्छी है। अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका खंड है, अफ्रीका के एक कोने में है ये प्रेग्नेंट डॉल है। वहाँ ऐसी मान्यता है जब भी बच्ची की गोद भराई होती है तभी सभी माँ इसकी बच्ची को ये डॉल गिफ्ट करती है। तो ये दोस्तों पूरा अफ्रीकन डॉल्स हैं, साउथ अफ्रीका का फ्लैग आप वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मसाई जाति के आदिवासी है, वो मानते हैं अगर बच्चे को हम बचपन से ही ब्लड पिलाए तो बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, वो लोग बच्चे को बचपन से ही ब्लड पिलाते हैं। साउथ अफ्रीका की है और वहाँ ऐसी मान्यता है जिस स्त्री की नेक पतली और लंबी वो सबसे सुंदर, इसलिए वो लोग ऐसी कोई मेटल्स की रिंग पहनते हैं, कोई मोती की पहनते हैं। जैसे जैसे इसकी गर्दन लंबी होती जाती है एक एक और ऐड करते जाते हैं, और जिसके गले में ज्यादा रिंग्स वो सबसे सुंदर। इसकी डिजाइन की थी, इसको बनवाने के लिए 2500 पाउंड का खर्चा हुआ था। तो 2500 पाउंड का, मतलब ये इंग्लैंड में डिजाइन हुआ था। हाँ, स्पेशल वहाँ के डिजाइनर ने डिजाइन किया था और ये बनवाने के लिए 2500 पाउंड का खर्चा हुआ था। तो वहाँ के सात स्कूल के बच्चे ने मिल के विदाउट यूनिफॉर्म पहने बगैर 7 दिन तक स्कूल गए और अपनी मर्जी से अपनी पॉकेट मनी में से 7 दिन फाइन भरा, इसमें से सब फंड इकट्ठा किया और ये जेब्रा ने बनवाने के लिए दिया। और इसके अंदर एक ऐसी टाइम कैप्सूल है
कि 2004 में जेब्रा बना था। हाँ। तो 2004 में पूरे विश्व में जो जो घटनाएं अच्छी बुरी सभी घटनाएं बनी हुई थी वो इसमें है, इसके अंदर है। मतलब अप टिल 2004 तक। हाँ। जो भी घटनाएं घटी थी पूरे वर्ल्ड में 2004 की। 4 की, ओके, 4 की, 2004 की, वो इसके अंदर टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। स्पेशल हेलीकॉप्टर में बच्चे इधर छोड़ने आए थे और इसको राजकोट लाना था, तो बच्चों ने इसका नाम राज दिया। ओ, तो इस जेब्रा का नाम दोस्तों राज है क्योंकि ये राजकोट में, तो इस वजह से ही देखिए बहुत ही यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इंग्लैंड में छोटे बच्चों ने अपने स्कूल में अपनी पॉकेट मनी से एक जेब्रा को बनाया, उसके अंदर एक टाइम कैप्सूल डाला। दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट जेब्रा, एंड आप जरूर, आप राजकोट सिटी आए तो इसको आप जरूर आप देखिए, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए कुछ और साउथ अफ्रीकन डॉल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आगे और भी दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ की डॉल्स आपको देखने को मिल रही हैं, उनका कल्चर यहाँ पर दर्शाती हुई ये डॉल्स यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पर नेदरलैंड्स की डॉल हैं, ये नेदरलैंड के कल्चर को यहाँ पर दर्शा रही हैं डॉल्स जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर आपने ज़रूर देखा होगा नेदरलैंड्स की, अगर आपने कोई फ़ोटो पिक अगर आपने देखी है तो उसमें ये अक्सर हुआ करता है। नेदरलैंड्स का बहुत ही एक यूनिक चीज़ है ये। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही मुझे अच्छी है डॉल यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कुछ, ऑन द 14th ऑफ अप्रैल एट द हार्टफेल्ट फेयर द मेड ऑफ द हेफल रिलीजेस क्यूकू टू सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये बता क्या यहाँ पर है, तो ये जो डॉल है ये स्प्रिंग सीजन को सिग्निफाई कर रही है। ये डॉल एक छोटा चिड़िया का बच्चा है जिसको कुकू कहा जाता है, तो कुकू का तब जन्म हुआ और स्प्रिंग सीजन की वहाँ पे शुरुआत होती है, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो वहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इंग्लैंड का झंडा है, द ग्रेट ब्रिटेन का झंडा है और उसको सिग्निफाई कर रही है डॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ही ब्रिटेन का, जो द ग्रेट ब्रिटेन का ही यहाँ पर आप ये पूरा देख रहे हैं सेक्शन, यहाँ पर सेंटा क्लॉस है और अपनी उनकी जो बग्घी होती है उसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पर यूक्रेन की डॉल है दोस्तों, जो यूक्रेन के कल्चर को दिखा रही है, तो यूक्रेन की डॉल है। फिर उसके बाद स्वीडन, कैनल आइलैंड्स, कैंट इंग्लैंड, कैंट एक काउंटी है जो इंग्लैंड के अंदर एक काउंटी आती है कैंट नाम की, तो ये वहाँ की डॉल्स को वहाँ के कल्चर को दिखाती है। इटली, स्वीडन और यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड, तो सारी देश जितना भी पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसकी सारी डॉल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यूरोप का आपको पूरा कल्चर यहाँ पर एक बार में डॉल्स के थ्रू आपको देखने को मिलता है, रोमेनियन डॉल्स। कि आपने सुना होगा ब्राज़ील, तो यहाँ पर देखिए ब्राज़ीलियन कल्चर, ब्राज़ील का झंडा भी है सामने, तो ये ब्राज़ील का जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको देखिए यहाँ पर शोकेस करा गया है। यहाँ पर बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, मिर्ची रखी हुई है, डोलची है और ये एक हट है। देखिए यहाँ पर भी अंदर देखिए एक डॉल है और सब कुछ ऐसे जो स्पाइसेस होते हैं, हर्ब्स होते हैं, तो ये एक बहुत ही अहम पार्ट है ब्राज़ील के कल्चर का, तो वो यहाँ पर शोकेस करा गया है दोस्तों। ये भी देखिए ब्राज़ील का ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा सेक्शन आप इधर साइड तक ये ब्राज़ील का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे आते हुए यहाँ पर फ्रांस आप देख पा रहे हैं अब, तो फ्रांस का ऊपर यहाँ पर दिया गया है सेक्शन बीच में। कि
यहाँ पर आप आते हैं तो स्कॉटलैंड की जो कल्चर है वो यहाँ पर भी दिखाया गया है, स्कॉटिश कल्चर और उनकी जो ट्रेडिशनल जो यहाँ पर जो वो बजाते हैं, जो ट्रेडिशनल उनका एक आप कह सकते हैं वादक होता है, वो यहाँ पर है। 19 ईयर ओल्ड वुमन है और दोनों पैर से हैंडीकैप है। उसने भी सोचा कि मेरे को भी इंडिया में कुछ भेजना है, तो ये सभी डोल उसने उलन में से बना के भेजी है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो तस्वीर है इन पर्सन की, इन्होंने सोचा कि उन्हें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है म्यूजियम के लिए, तो उन्होंने हैंडीकैप थे वो, तभी उन्होंने अपने हाथ से वूल से बनाकर ये सारी डॉल्स यहाँ पर भेजी एज ए गिफ्ट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये टर्की से आई है, इसके कपड़े में जो पूरा एम्ब्रॉयडरी वो धागा लगा है वो 24 कैरेट गोल्ड का है। ओ, ये एक टर्किश डॉल है। तो यहाँ पर आप जो उनकी मैम ने जैसे बताया कि यहाँ पे जो भी उनका जो क्लोथ है उसके ऊपर जो आप डिजाइन आप देख रहे हैं वो 24 कैरेट गोल्ड का है। तो ये टर्किश कल्चर को यहाँ पर शोकेस करती हुई ये डॉल है। इंग्लैंड के इंग्लैंड में हमारी एक रोटरी की समरसेट नाम की क्लब चल रही है, ये सभी इसके मेंबर्स है और सबने साथ में मिलके ये डॉल म्यूजियम के लिए बनवाई। तो ये देखिए सारे यहाँ पर मेंबर्स हैं जो कि समरसेट काउंटी में जो रोटरी क्लब है वहाँ के, और उन्होंने ये यहाँ पर डॉल म्यूजियम के लिए बनवाई। बाद में वहाँ प्लेन में कुरियर में सभी जगह पूछा कि इसको इंडिया में राजकोट है वहाँ भेजना है, तो सबने ना बोले कि बहुत नाजुक है तो इंडिया पहुंचेगी तो टूट जाएगी। वो लोग बॉक्स में पैकिंग करके वहाँ कुरियर में देने भी गए थे, बाद में उसे पता चला कि ये तो नहीं पहुंचेगी टूट जाएगी, तो वो दोनों अपनी गोदी में बिठा कर इधर छोड़ने आए थे डॉल को। तो भाई देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लग रही है, क्योंकि ये डॉल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, नाजुक है। तो मैम ने जैसे बताया कि इतने ज़्यादा केयर के साथ उसे राजकोट सिटी तक लाया गया डायरेक्टली फ्रॉम इंग्लैंड, तो बहुत ही यार अच्छी बात है। और आप जब यहाँ पर आते हैं और इतनी अलग अलग डॉल्स देखते हैं और उनके साथ जुड़ी हुई कहानियों को जब आप सुनते हैं, वो आप यहाँ पर आइए, मैम आपको कहानियाँ आपको जो सुनाएंगी वो बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको, और आपको आने के बाद ऐसा फील होगा कि ये प्लेस मस्ट विजिट। जितनी भी डॉल्स आपने देखी यहाँ पर पूरे उसमें, तो वो सारी ही डॉल्स जो है अलग अलग यूरोपियन जो कंट्रीज थे उसकी थी, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जिन्हें हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं वहाँ की कल्चर को दर्शाती हुई यहाँ पर डॉल्स की। अब हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ अमेरिका की सारी डॉल्स और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की डॉल्स ऊपर है, यूरोप अफ्रीका साउथ अमेरिका ऊपर हम यहाँ पे अब चलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर अब हम जा रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी नॉर्थ अमेरिकन जो कल्चर होता है, अब नॉर्थ अमेरिका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि आपका है सब जानते हैं, तो वहीं उसी की जो डॉल्स है उनका जो कल्चर है यहाँ पर ऊपर है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज की भी डॉल्स यहाँ पर हैं इस फ्लोर पर है, तो वो सब हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो कल्चर होता है उससे रिलेटेड भी डॉल्स यहाँ पर हैं। तो ये देखिए ये है एंट्रेंस यहाँ पर, अब अंदर आते हैं, देखिए ओवरव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ की इंटरेस्टिंग डॉल्स को। तो चलिए ओवरव्यू ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पर सेकंड फ्लोर में भी एक से एक डॉल्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी डॉल्स हैं, तो पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा तभी मजा आएगा। ये जो डॉल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है ताइवान की कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ताइवान की बहुत ही कलरफुल हिस्ट्री रही है, ताइवान की बहुत ही रिच हेरिटेज रहा है, कल्चरल हेरिटेज, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं जो ड्रेस है वो भी बहुत ही कलरफुल और अच्छी है। यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर जो ये सेक्शन आप देख सकते हैं डॉल का, ये यहाँ पर मलेशिया कंट्री के कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप ज़रूर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं।
पूरे दुनिया की अलग अलग अभी तक आपने डॉल्स देखी हैं। अब यहाँ पर डॉल्स हैं हमारे प्यारे भारत की, यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन फ्लैग और हमारी इंडियन ट्रेडिशन जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर देखिए बहुत ही हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है उसका यहाँ पर शोकेस है। पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी डॉल्स हैं, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेपाल की यहाँ पर डॉल्स है, देखिए बीच में आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग ये डॉल्स हैं। और जैसा कि यहाँ पर असम के कल्चर को शो करा गया है, गोवा के कल्चर को, गुजरात के कल्चर को यहाँ पर शोकेस करा गया है, और सिंध जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का उसको यहाँ पर शो करा गया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन कल्चर, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर नेशनल एनिमल कंगारू, तो वो तो यहाँ पर शो हो गई। ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, कंगारू नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आगे आप अगर आप आते हैं तो ये भी देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉल्स हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्पेशल टाइप की हैट्स होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलियंस पहनते हैं, आप वो देख पाएंगे। तो यहाँ पर वो डॉल्स ने देखिए वो हैट्स पहनी हुई है, ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन हैट्स हैं। ये यहाँ पर है न्यूजीलैंड की, यहाँ पर देखिए शोकेस करा गया है। यहाँ पे नहीं है, ये है यहाँ पे देखिए, ये है न्यूजीलैंड का, इधर है। और ये भी है, ये भी न्यूजीलैंड का ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो कल्चर है वहाँ का उसको शोकेस करती हुई ये डॉल्स हैं। यूरोपियन कल्चर मिक्स विद मोराई कल्चर, यहाँ पर ऐसा देखिए लिखा हुआ है। तो यूरोपियन हेरिटेज अमेजिंग मोराई हिस्टोरिक साइट्स, तो एक बार आप ये जरूर आप पढ़िएगा, तभी आपको जो है क्लियर आइडिया आएगा। यहाँ देखिए जो अलास्का है, अलास्का रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है। एक समय था कि वो रशिया का पार्ट हुआ करता था अलास्का, पर आपको जैसा कि पता होगा अमेरिका ने अलास्का को परचेज करा था रशिया से। तो वहाँ के जो कल्चर है, वैसे तो वहाँ पर उतना ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं अलास्का रीजन में, पर जो भी रहते हैं तो उनका जो कल्चर है वो यहाँ पर शो करा गया है। क्योंकि पहले वहाँ पर अलास्का जो है वो रशिया का पार्ट था, तो आपको थोड़ा सा रशियन फ्लेवर, रशियन टच भी दिखेगा जो यहाँ पर जो आप डॉल्स आप देख रहे हैं उसमें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डॉल्स शोकेस करी गई हैं टेक्सास राज्य की, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं पे अगर उसका जिक्र होता है, तो बेसबॉल का जिक्र अगर साथ में ना हो तो ये बात अधूरी रह जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं बेसबॉल खेलते हुए जो एक बेसबॉल प्लेयर है उसका रेप्लिका यहाँ पर शो करा गया है। एंड हिस्ट्री ऑफ बेसबॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बेसबॉल की कल्चर है, उसका हेरिटेज है, वो स्पोर्ट्स कैसे वहाँ पर डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ यहाँ पर शो करी गई है। ये कैलिफोर्निया राज्य का जो वहाँ का जो प्लेयर का रेप्लिका है वो है यूएसए का, देख सकते हैं। ये है ऑन्टेरियो कनाडा, तो ऑन्टेरियो कनाडा का जो कल्चर है, कैनेडियन कल्चर है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये डॉल्स हैं, जो ब्रिज है, एक फुट ओवर ब्रिज है, उसके ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे आप अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर विकोसिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पेंसिल्वेनिया जो राज्य है उसकी यहाँ पर डॉल्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर पीछे अगर आप आएंगे तो दिस इज अ स्पेस डॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस डॉल। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, तो उनका जो सक्सेसफुल मिशन था ओवर द मून, वो यहाँ पर शो करा गया है। एक बार उसके बारे में देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। ये डॉल आपने देखी यूएसए से आई है, ये सबसे पहले जो मून पर पहला पग रखा था वो है नील आर्मस्ट्रांग, वहाँ के नासा ने गिफ्ट भेजी है। तो भाई ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉल है, मून पे पहला जो फर्स्ट मैन जो गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जैसा कि आपको पता है। तो नासा ने ही ये गिफ्ट करा है। वो यूएसए की 18th सेंचुरी की डॉल है,
18 सेंचुरी में डोल ऐसे सभी प्लेन रखते थे, आँख का नाक कुछ ड्रॉ नहीं करते थे। अच्छा। और ऐसी मान्यता थी आँख का नाक ड्रॉ करने से वो जीवित हो जाएगी, वो चुड़ैल बन। तो इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए इनका खाली ऐसे ही है, मतलब फेसलेस है, आँख और ये सब नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए डिज्नी वर्ल्ड जो है उसका रेप्लिका यहाँ पर शो करा गया है। ये सब सहेली को मिलने जाती है। ये हमारी लाइफ के चार पार्ट ये कॉलेज के रूप में दिखाया है। ये पहले हम बचपन में हमारे लिए स्टडी करनी बहुत जरूरी है, तो ये पार्ट बताइए। तो यहाँ पर एक तरह से बेसिकली दिखा रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी को दर्शा रहा है। तो साथ में स्पोर्ट्स का भी ऐसा ही महत्व है हमारी लाइफ में। बाद में लाइब्रेरी है, संगीत है। हाँ। और छेले लास्ट में हमको रोजी रोटी कुछ भरण पोषण के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसा रखा है। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पूरी लाइफ का जो स्टेजेस होते हैं वो सारे एक इंसान के जीवन में जो पूरे लाइफ के स्टेजेस हैं वो इस सेक्शन के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारे राजकोट के राजा है, उस हमारी रानी ने वो उसके पियर से लाई थी और 100 साल पुरानी डोल है वो। और उन्होंने भी सोचा कि मैंने तो बहुत उसको रख लिया, अब मेरी प्रजा भी है डोल को देखे, तो बहुत धामधूम से हाथी घोड़े के साथ फूले के साथ वो लोग दरबारी ट्रेडिशनल वो तलवार रास करके इधर ये डोल को छोड़ने आए थे और हमने भी इसका जोरदार स्वागत किया था। भाई आपने जैसा कि मैम ने भी आपको बताया कि राजकोट की, हमारे राजकोट की ही डॉल है, जो राजकोट की ट्वीन थी उन्होंने इस डॉल को यहाँ पर एज ए गिफ्ट यहाँ पर दिया है, क्योंकि उनका एक बहुत ही अच्छा भाव था उसके पीछे कि उन्होंने इस डॉल को अपने घर पे रखा हुआ था, पर अब वो चाहती थी कि बाकी के जो राजकोट के सिटीजन्स हैं वो भी इस डॉल को देख पाएँ, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये गिफ्ट किया है। बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप एक राजकोट वासी हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सर हमारी छोटी सी शॉप है, सिर्फ लकड़ी का उलन का ही मिलता है इसमें और स्टैंडर्ड है बिल्कुल, है ना। तो अगर आप यहाँ पर आप आते हैं तो इस शॉप में से जरूर कुछ ना कुछ आप परचेज भी आप करें, आपको जो भी यहाँ पर अच्छा लगता है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई हमारे साथ हैं, यहाँ पर डॉल म्यूजियम विजिट करने आए थे, तो हम जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए आपको डॉल म्यूजियम कैसा लगा, मतलब। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर बीइंग हियर प्रेजेंटली, सो मेनी काइंड्स ऑफ द डिफरेंट डॉल्स आर प्रेजेंट हियर, सो एंड इट वाज नाइस टू सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यू डॉल्स एंड प्रेजेंट हियर। So it's thing. So have you also visited before? No, it's the first time it was. You have first time visited a doll museum. Yes. So how means what is the speciality and what is the one thing that strikes to your mind by visiting different sections of the doll of different countries here you have seen? Firstly, it was the different it was of the different countries. So yes. It was blessed to see here, and our eyes has been blessed to see the different countries of the world. So, भाई आप देख सकते हैं, अगर आप राजकोट सिटी आते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें और यहाँ पर देख सकते हैं। शू नाम से मिस्टी मिस्टी बोल सर को बोल मिस्टी चले तो भाई ये था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलूंगा किसी और अगली लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।